क्या गाइस आपके भी फ़ोन में ये वाइट वाला वॉल इस तरह से आ रहा है और आप जानना चाहते हो इसको ऑफ़ कैसे करते हैं, इसको कैसे यहाँ से हटाते हैं? अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को देखते रहिएगा। तो गाइस इस बॉल को डिसेबल ऑफ़ करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जाना है गाइस अपने मोबाइल की सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में आ जाने के बाद आपको इस तरह से थोड़ा नीचे आ जाना है। अब यहाँ पर गाइस आपको सिस्टम सेटिंग्स का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। गाइस अगर आपके पास रेडमी का फ़ोन है या फिर किसी और कंपनी का मोबाइल है तो यहाँ पर आपको एडिशनल सेटिंग देखने को मिल जाएगी। तो चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा। अब गाइस यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, असिस्टिव बॉल, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ से आप जैसे कि ऊपर वाला ये बटन इस तरह से ऑफ कर दीजिएगा, तो यहाँ से वो आपका गायब हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो वो हमारा कहीं भी नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर गाइज आपको किसी वजह से ये सेटिंग नहीं मिलती है तो मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूँ। आपको मोबाइल की सेटिंग में आ जाने के बाद ऊपर आपको सर्च करना है, यहाँ पर आपको इस तरह से असिस्टिव बॉल, तो यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो सिर्फ आप इतना ही टाइप करोगे तो आपको ऊपर असिस्टिव बॉल का ये ऑप्शन मिल जाएगा। आपको इस पर क्लिक कर देना है, और आप इस पर क्लिक कर गए यहाँ से, और यहाँ पर आप क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हो असिस्टिव बॉल का ये ऑप्शन इस तरह से ऑफ कर सकते हो। तो इस तरीके से गाइस आप ये अपने फ़ोन में बहुत आसानी से इसको डिसेबल कर सकते हो।